देखो बेटा, डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा टॉपिक आपका डाइपोल इन यूनिफॉर्म, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल रखा। तो बड़े ध्यान से देखना इसको कैसे बनाना आपने। भाई लेट अस कंसीडर डाइपोल, आपने क्या लिया बेटा, मैं देखो आपको ये बोलता हूं, देखो ये लाइन लेनी है बेटा आपने इलेक्ट्रिक फील्ड, किसकी इलेक्ट्रिक। यूनिफॉर्म का मतलब मैंने बोला था डायरेक्शन भी सेम होगा और मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, मैग्नीट्यूड होता बेटा ये लेंथ के हिसाब से, समझ गए। तो चलिए ये मैग्नीट्यूड होगा बेटा सबका सेम, तो ये क्या है बेटा आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या बेटा ये इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म हो गया। अब पांच लाइने क्यों ली, मैं इसका रीजन बताता हूँ बेटा पांच लाइने का, क्योंकि जो पांच लाइने ले लेंगे हम तो जो डाइपोल लोग है ना इसके अंदर, मान लीजिए ये कोई डाइपोल है, ये डाइपोल है बेटा, बेटा ये डाइपोल है, डाइपोल में अब मैं पांच लाइने लेने का भी कहता हूं, जो सेंटर है ना डाइपोल का कहां होगा, बीच वाली लाइन पे आ जाएगा, सेंटर का आएगा बीच वाली लाइन पे आ जाएगा, ये फायदा है। तो यहां कौन सा चार्ज है बेटा, प्लस क्यों बी पॉइंट पे, और ए पॉइंट पे बेटा माइनस क्यों, ये ए पॉइंट पे, और ये इसका सेंटर है बेटा, क्या ये अब समझ आता है। डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव टू लेफ्ट क्वांटिटी हो ना, घूमने इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वेक्टर है तो क्या बनाया, क्या बनाया भाई, एंगल कोण बना रहा है पी बेटा, पी बना रहा है, पी क्या है, क्योंकि जिस टॉपिक में मैंने बोला था डाइपोल का चित्र आ गया उसमें डाइपोल मूवमेंट आ रहा था, डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन है नेगेटिव टू पॉजिटिव एंड ये इलेक्ट्रिक। अब सुनो ये तो हमें पता, यहाँ क्या चार्ज, चार्ज अकेले लगे किस पे, फोर्स किसके अलाउ, इलेक्ट्रिक प्लस का इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ, तो बेटा देखो ध्यान से इसके ऊपर तो लगी इसके तरफ, कौन सी फोर्स है, एफ इज इक्वल टू क्या इन टू, ठीक है इस पर तो ऐसे लगी, और इस पर नीचे तरफ अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी लगेगी, एफ इज इक्वल टू माइनस क्या इन टू। तो बड़े ध्यान से देखो बेटा ये क्या बनेगा, एक कपल ऑफ फोर्स, दोनों फोर्स क्या इक्वल एंड अपोजिट, लेकिन लाइन ऑफ एक्शन अलग है, दो इक्वल इक्वल फोर्स और अपोजिट हो और लाइन ऑफ एक्शन क्या हो सेम, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा जीरो, लेकिन दोनों फोर्स क्या है इक्वल तो है अपोजिट भी है लेकिन लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है। ये देखो बेटा इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये और इसकी लाइन ऑफ एक्शन, एक ही पॉइंट पर लाइन ऑफ एक्शन तो नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, क्या बन गया एक कपल ऑफ फोर्स, क्या बना एक कपल ऑफ फोर्स, तो क्या लिखूं बेटा, इस कपल ऑफ फोर्स के कारण ये जो डायपोल है ना, ये डायपोल ऐसे रोटेट, एक इस तरह बेटा ऐसे रोटेशन, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज स्टार्ट कर देगा, समझिए मेरी बात, तो ये कैसे एंटी क्लॉकवाइज स्टार्ट कर देगा रोटेट करना, तो इसको क्या किस वजह से रोटेट होया, टॉर्क, क्योंकि बच्चों ने पढ़ रखा सिंपल लीनियर मोशन में कोई चीज चलती है तो किसके कारण चलती है, फोर्स के कारण, रोटेशन में कोई चीज चल रही है रोटेट हो रही है तो टॉर्क के कारण, किसके कारण, तो अब यहां क्या लिखेंगे, देखिए ए डाइपोल हैविंग चार्ज माइनस क्यू एट ए प्लस क्यू एट बी एंड सेंटर ओ, सेंटर ओ, सेंटर इज द ओ, और बेटा ए और बी में जो सेपरेशन है आप सभी को पता है कितना होता है बेटा, दैट इज टू ए, कितना होता है बेटा टू ए इज द सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस ऑफ द डाइपोल, ओके। नाउ पी इज द डाइपोल मूवमेंट एंड इट डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव व्हेन इट हैज इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जब इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो क्या हुआ, क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस ए फोर्स टुवर्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव चार्ज एक्सपीरियंस ए फोर्स अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। सो क्या बना बेटा, सो ए कपल ऑफ, कपल ऑफ, कपल ऑफ इक्वल एंड, यस इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, ए कपल ऑफ द इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस प्रोड्यूस, प्रोड्यूस क्या प्रोड्यूस करेंगे, ए टॉर्क, प्रोड्यूस ए क्या प्रोड्यूस करेंगे भाई, टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे, ये वाली और ये वाली फोर्स क्या प्रोड्यूस करेगी, टॉर्क, क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन के अलग अलग है इस वजह से टॉर्क प्रोड्यूस करेगी,
तो जो टोरक होता है बेटा वो ध्यान से देखो क्या होता है, जो टोरक होता है वो होता है आइदर ऑफ द फोर्स, आइदर ऑफ फोर्स कोई सी भी फोर्स इनटू आर्म ऑफ कपल, क्या होता है बेटा आर्म ऑफ कपल, आर्म ऑफ कपल का मतलब होता है दूसरी स्टेटमेंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्या बेटा यो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस, जो दोनों फोर्सेस है इक्वल एंड अपोजिट थी उनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आर्म ऑफ कपल का मतलब है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो बच्चों आपने टोरक किससे रिप्रेजेंट करेंगे, टाउ से रिप्रेजेंट करेंगे, तो टोरक बराबर है कोई सी भी फोर्स, क्योंकि मैग्नीट्यूड है यो, तो कोई सी भी फोर्स ले लो चो, चाहे तो ये ले लो चाहे ये ले लो, तो क्या आया क्या इंटू कोई सी फोर्स आ गई इंटू आर्म ऑफ कपल क्या आएगा, तो आर्म ऑफ कपल के लिए बच्चों बड़े ध्यान से देखो बेटा आप इसने आर्म ऑफ कपल क्या होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो बेटा आपने कैसे बनाना है मैं आपको बता देता हूं, अब ये जो है देखो ये वाला जो है ये इस नागे बढ़ाओ और इस नागे That is the point C. क्या point C? तो इस फोर्स का परपेंडिकुलर और इस फोर्स का परपेंडिकुलर, ये तो फोर्स ऐसे है ये फोर्स ऐसे है, इन दोनों का परपेंडिकुलर यू नहीं हो गया AC बेटा, यह फोर्स है री आई या फोर्स है री, इन दोनों का परपेंडिकुलर AC भाई यह फोर्स तो ऐसे है री, ठीक है ना, ये फोर्स थी आपकी ये वाली फोर्स बेटा, ये वाली जो फोर्स है ये फोर्स है ये वाली, और यह फोर्स ऐसी है तो इन दोनों का परपेंडिकुलर तो यही है एसी है, इसका मतलब आर ऑफ कपल क्या है एसी, इक्वेशन नंबर वन, ठीक है। अब व्हाट इज एसी बच्चों, आपके पास कौन सी साइड है एबी, कितनी हो गए टू ए, एबी कितनी है टू ए है, तो एबी का टू ए हो गया, जो दे रखा वो कहां नीचे और जो काटना वो ऊपर, तो भाई देखना अब बड़े ध्यान से देखना मुझे एक बात बताना, यो एंगल थीटा है तो ये क्या यहां एंगल ले लू थीटा, नो 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 एंगल इज दिस दिस एक्सिस एंड टू दिस एक्सिस, सो हियर वी आर कंसीडर द एंगल हियर दैट इज द एंगल थीटा, हम यहां नहीं लेंगे एंगल लेंगे इस एक्सिस में और इसमें ये एंगल और ये एंगल, तो परपेंडिकुलर के सामने सॉरी एंगल के सामने परपेंडिकुलर, ये तो परपेंडिकुलर हो गया ये बेस हो गया ये तो क्या है कौन सी ट्रायंगल है फ्रॉम ट्रायंगल एबीसी, फ्रॉम ट्रायंगल कौन सी है बेटा एबीसी एबीसी, क्योंकि बी ट्रायंगल है थीटा, तो चलते हैं आपका क्या करना है एसी, सो एसी अपोन दे क्या रखा है एबी, तो एसी बाय एबी बाय एक मिनट रुक जो, आपने देखना है यो तो है परपेंडिकुलर और यो है हाइपोटेन्यूज, तो लंब बटे कर्ण साइन थीटा, लंब बटे कर्ण साइन थीटा, तो इसका मतलब क्या बन गया साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ आयसन में टू लिया एंगल यहां आगेसन में ये एंगल यहां थोड़ी से काम, क्योंकि एंगल किसमें है इस लाइन में और इसमें है, तो आपने ये वाली लाइन और ये वाली लाइन यहां ले लिया क्लियर है, आप चलते हैं बेटा एसी की वैल्यू कितनी है बेटा, फिर एसी इज इक्वल टू कितना बेटा ए बी साइन थीटा, तो व्हाट इज एबी, ए बी कितना बेटा टू ए दैट इज साइन थीटा, सो इक्वेशन वन बिकम इक्वेशन ए का बेटा वो चेंज हो जाएगी, टोरक बराबर है क्यू ई इंटू टू ए साइन थीटा, इक्वेशन नंबर दो, बड़े ध्यान से देखो मैंने क्या बोला था, जिस टॉपिक में डायपोल का जिक्र आता हो डायपोल मोमेंट आवेगा यो या क्यू इंटू टू ए क्या बढ़ गया पी, तो क्या है बेटा टोरक, टोरक बराबर आया आपका पी सी ई साइन थीटा, तो इम्पोर्टेंट है बेटा दैट इज द पी ई साइन थीटा, और मैंने बता रखा साइन लेटर हो गया क्यों क्रॉस क्या की है क्रॉस प्रोडक्ट, तो याद रखना है जब भी एक डाइपोल किसमें रखा जाएगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा, इट विल एक्सपीरियंस ए टॉर्क, अच्छा रिजल्टेंट फोर्स कितनी है नेट फोर्स कितनी है प्लस क्या होगी माइनस, तो नेट फोर्स कितनी है जीरो, लेकिन क्या एक्सपीरियंस करे टॉर्क, क्या एक्सपीरियंस करे टॉर्क, क्यों करे क्योंकि दोनों फोर्स किसमें है
अलग अलग लाइन ऑफ एक्शन पे हैं। ओके, यदि कोई ऐसे पूछ रहे आपको जर्नल नेट फोर्स कितना, तो नेट कितना है जीरो, क्योंकि एक प्लस के ऊपर एक माइनस के ऊपर। ठीक है, तो ये टॉपिक है आपका यूनिफॉर्म। अब मेरी बात सुनो बच्चों, इस टॉपिक में आपके पास जो ये टोरक आया पीई साइन थीटा, तो इसमें क्या करना बेटा आपने, पीई साइन थीटा दैट इज द टोरक एक्सपीरियंस बाय ए डाइपोल, और ये जो टोरक है इसकी वजह से क्या करना स्टार्ट कर देगा ये रोटेट। और टोरक कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर, तो हमें इनकी डायरेक्शन देनी है। तो टोरक इज इक्वल टू आपके पास आया पीई एंड दैट इज साइन थीटा, तो बेटा डायरेक्शन देनी है वेक्टर क्वांटिटी है, तो क्या आएगा टोरक के ऊपर वेक्टर बाय एंगल किसमें पी और ई, में पहले बोला था मैंने ये पी था पी और ये ई, इन दोनों में एंगल था देखो बेटा ये इसमें आ जाएगा आपका पी क्रॉस ई, क्या आएगा पी क्रॉस ई, ये आपका रिजल्ट आएगा पी क्रॉस ई। और एक लाइफ में पूरी जिंदगी में याद है आप, जो जिन में क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है उनके डायरेक्शन किससे रहते हैं, राइट एंड स्क्रू रूल, राइट एंड स्क्रू रूल से, राइट एंड स्क्रू रूल से रहते हैं, किससे दोगे राइट एंड स्क्रू रूल, राइट एंड स्क्रू रूल से डायरेक्शन, या फिर क्या है क्या था थंब रूल, राइट एंड थंब रूल पढ़ा था आपने कि भाई यदि एंटी क्लॉकवाइज है तो अपवर्ड और क्लॉकवाइज है तो डाउनवर्ड, समझ गए ना, क्या देंगे राइट एंड थंब रूल, राइट एंड थंब रूल। या फिर एक और है बेटा, वो क्या है परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग पी एंड ई, क्या लिखेंगे परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग पी रेफर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग पी एंड ई रेफर, कोई बता सकता है क्यों लिखा, अरे क्योंकि मैंने क्रॉस प्रोडक्ट बता रखी आपको भाई, ए क्रॉस बी बराबर होता है बेटा ए बी साइन थीटा इंटू एन यूनिट वेक्टर, क्योंकि वो क्या देख रहा है मैग्नीट्यूड देख रहा है डायरेक्शन है नॉर्मल टू द प्लेन नॉर्मल होती है, ये कारण है। हो गया, अब सुनो बच्चों, ये तो टोरक कर लिया टोरक एक्सपीरियंस, लेकिन बेटा क्या होगा ये कहां तक घूमेगा, क्या कारण कहां तक जाएगा घूम के, तो देखते हैं। देखिए ये जो केस है थीटा एंगल आ गया बेटा, थीटा में तीन चीज लगा दो, एक बार जीरो, एक बार नब्बे, एक बार 180, तीन चीज लगेंगी। जब थीटा बराबर कितना हो जीरो डिग्री, थीटा बराबर जीरो का मतलब है कि आपने क्या कर दिया, किस किस में एंगल आयो पी में और ई में, अरे पी में ई में एंगल है, तो पी में ई में एंगल है तो पी किसके पैरेलल कर दिया आपने, ई के पैरेलल कर दिया। जब थीटा जीरो कर दिया तो साइन जीरो जीरो, साइन जीरो जीरो, तो टोरक भी क्या आएगा जीरो, इसका मतलब घूमेगा ही नहीं, वहां खड़े हो जाएगा, नहीं घूमेगा वहीं खड़े हो जाएगा, उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम, लेकिन कौन सा इक्विलिब्रियम स्टेबल, कौन सा आएगा बेटा दैट इज द स्टेबल इक्विलिब्रियम, कौन सी कंडीशन आएगी बेटा स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन है पहले वाली, ये वाली क्लियर है, हो गया भाई स्टेबल इक्विलिब्रियम कब जब एंगल क्या हो जाएगा जीरो, क्यों, अरे भाई सिंपल सी बात है, ये मान के चलो देखो मैं कहता हूं आपने ये डाइपोल है, आपने पैरेलल कर दिया, डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन फ्रॉम 92 ये माइनस के वाली, एक फोर्स इधर और एक फोर्स इधर, लाइन ऑफ एक्शन जो है दोनों भी सेम, रिजल्ट क्या होता है तो इसलिए ऐसा नहीं। सेकेंड केस बेटा थीटा की वैल्यू क्यों बेटा, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री कितनी हो 90 डिग्री, तो इसका मतलब है पी है परपेंडिकुलर है किसके पी के, पी परपेंडिकुलर है बेटा पी के, तो साइन नंबर जो है साइन 91 तो होता है बेटा, लेकिन मैक्सिमम क्या ये मैक्सिमम मीन सबसे ज्यादा भूल जाए, क्योंकि साइन की वैल्यू क्योंकि 1 मैक्सिमम है तो टोरक भी क्यों क्या मैक्सिमम, तो टोरक क्यों जाएगा बेटा मैक्सिमम हो जाएगा, कितना होगा पी कितना आएगा पी, क्योंकि साइन नंबर कितना हो गया 1, साइन नंबर 1 क्या बन गया पी एंड दैट इज द मैक्सिमम, क्या आएगा इसका मतलब है टोरक को ज्यादा ज्यादा घुमाना है तो हमने कैसे कहां रखना है
परपेंडिकुलर यह फील्ड है ऐसे, तो डायपोल मूवमेंट ऐसे होना चाहिए, तो नेगेटिव पॉजिटिव इधर ऐसे, तब जाके ज्यादा घूमेगा, सबसे ज्यादा घूमेगा। क्लियर है? तीसरा केस क्या बेटा? तीसरा केस थीटा स्क्वायर कितनी है? 180 डिग्री बराबर है थीटा बेटा 180। साइन 180, साइन 180 क्या होता है बेटा? -1 है, -1 नहीं, 0 और 0 cos 90 0 क्या होगा बेटा? 0 0 आ गया, तुरंत भी क्या हो गया? 0 जब तुरंत 0 आ तो कोई कंडीशन है इक्विलिब्रियम में कि कौन सी आपकी बात अनस्टेबल हो गई बेटा। तो ये जो कंडीशन आएगी बेटा इस केस में वो आएगी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। कैसे आएगी बेटा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर है? ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ जाएगी। ओके, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अरे 180 एंगल, 180 का मतलब पता है क्या? कैसे है? किस किस में एंगल है? पी और ई में, पी और ई में बेटा, पी और ई। तो इसका मतलब है यदि ये डाइपोल है माइनस के और ये प्लस, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ऐसे होगी ना, और ई ये होना चाहिए उल्टा, तो दोनों एंगल कितना 180। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होना चाहिए, फिर एंगल कितना 180। तो इसका मतलब है कोई भी आप डाइपोल रखो इसका मतलब आएगी फोर्स, क्यों नहीं आएगी? जिद दिखाने दे रहे ना, प्लस का चार्ज है अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, माइनस का चार्ज है अपोजिट इलेक्ट्रिक ऐसे है ना, तो उल्टा चलेगा तो माइनस वाला, दो अरे इधर चल रहा है तो दोनों क्या है? जीरो। चलिए रहा कर लोगे ना, ये टॉपिक था आपका इंपोर्टेंट टॉपिक था टॉरक ऑन ए डाइपोल।